धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण पर आ गई है। कांवड़िया अब अपने राज्य की ओर रवाना होने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, जिसके कारण बहादुराबाद नेशनल हाईवे पर जन सैलाब देखने को मिल रहा है। हरिद्वार की कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में आ गई है, जिसके कारण सभी भक्तजन गंगा से जल लेकर अपने राज्य की ओर रवाना हो रहे हैं, जिसके कारण सड़कों पर काफी ट्रैफिक जाम हो रहा है और लोग अपनी मंजिल तक समय सीमा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हरिद्वार का बहादुराबाद नेशनल हाईवे हो या आम सड़कें, सभी जगह कांवड़ियों का जन सैलाब नजर आ रहा है। इसी के कारण आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पहली बार हरिद्वार से बलेश्वर राजस्थान में है, वहाँ हम कांवड़ लेके जाएंगे। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ जो गंगा मैया का है, बहुत ही शानदार है। यहाँ की व्यवस्था देखने लायक है। यहाँ लोगों जो हमारे नागरिकों के प्रति जो भारत में जो संस्कृति है वो काफ़ी अच्छी है। लोगों की जो धारणाएँ हैं, लोगों की जो सोच है बहुत अच्छी है। प्रशासन का यहाँ बहुत अच्छा, उनका लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा है। यहाँ की मतलब मैनेजमेंट ये कहेंगे बहुत अच्छा है। धन्यवाद है पुष्कर धामी जी के इस प्रदेश को, जिसने इस शानदार व्यवस्था पूरे श्रावण मास में ये व्यवस्था रहेगी उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु आएंगे और उसके बावजूद इतनी व्यवस्था रखना, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। इस तपोभूमि को, देवभूमि को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें 10-11 साल हो गए वैसे कांवड़ लाते हुए, यहाँ हरिद्वार से दूसरी बार ले जा रहे हैं और बहुत ही आनंद आता है। यहाँ के प्रशासन की बहुत बढ़िया तैयारी है, योगी जी ने बहुत सहयोग किया है, कांवड़ियों के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। उत्तराखंड का बहुत बढ़िया। मैं 16 साल से आ रहा हूँ और सभी बोले मेरे साथ आए हैं, ठीक है। जय बोले की बोले बाबा चाहेंगे तो रोज की रोज और हर साल आएंगे हम बाबा की सेवा करने, बाबा की कांवड़ लेने। जय बोले की। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।